भोजपुर में डीएमएसपी ने हाथ में मसाल थाम ली है, निकल पड़े हैं अलग जगाने के लिए। मानव श्रृंखला के लिए विशाल जुलूस निकाला है। इस बार का मानव श्रृंखला ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस मानव श्रृंखला को सफल बनाने के उद्देश्य से सभी अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। मानव श्रृंखला में कोई कसर न रह जाए, राज्यव्यापी मानव श्रृंखला को भव्य, आकर्षक एवं सुव्यवस्थित बनाया जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन की टीम लगी हुई है। गुरुवार की शाम हाथों में मसाल लेकर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा, एसपी सुशील कुमार, उप विकास आयुक्त अंशुल अग्रवाल सहित तमाम अधिकारी हाथों में मसाल लेकर सड़क पर निकले। लोगों से अपील की कि आप 19 जनवरी को निकाले जाने वाले मानव श्रृंखला का हिस्सा बने, यह एक नेक कार्य है। लोगों को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी को इसमें शामिल होना चाहिए। मानव श्रृंखला के लिए निकाले गए जुलूस में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। अधिकारियों को देखकर लोगों की नजर उधर पड़ी और लोग भी इस कार्रवाई में शामिल होते चले गए। मानव श्रृंखला का जो निर्माण होगा उसी के तहत जागरूकता अभियान के तहत आज हम सब लोग एकत्रित हुए थे। इसमें समाज के सभी वर्ग के लोग इस आज मशाल यात्रा में सम्मिलित हुए और एक संदेश देने का कोशिश किया कि हम सब लोग सुबह 11:30 बजे रविवार को मानव श्रृंखला में भाग लें और इस जो सरकार की मुहिम है जल जीवन हरियाली पर्यावरण बचाने के लिए शराबबंदी के खिलाफ, शराबबंदी के समर्थन में और दहेज प्रथा के खिलाफ आप सब लोग आएँ और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हों। धन्यवाद। जल जीवन है हरियाली का हम लोग का कार्यक्रम मसाल जुलूस निकाला गया है। 2020 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब कोई जनता को पॉजिटिव दर्ज हो, इसलिए मसाल जुलूस निकाला गया है। रहे हैं ये जिला प्रशासन और आम जन के सौजन्य से जो 19 जनवरी को मानव श्रृंखला जल जीवन हरियाली पर्यावरण को बचाने के लिए दहेज प्रथा के खिलाफ शराबबंदी नशा मुक्ति के समर्थन में भ्रूण हत्या बाल विवाह के खिलाफ जो मानव श्रृंखला बनना है वो मानव श्रृंखला पिछले दो मानव श्रृंखलाओं बनाने के बाद हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार ने फैसला लिया है। तो जिला प्रशासन की तरफ से और जनमानस की तरफ से आज यह एक जुलूस निकाला गया, मसाल जुलूस निकाला गया जो दहेज प्रथा के विरोध में और शराबबंदी के विरोध में समर्थन में शराब विरोध के समर्थन में और जल जीवन हरियाली के लिए